içimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Celle Allah. कुरान ने खूबसूरत मिसाल दी है मेरे बंदो, एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मेरे सिवा जितनी दुनिया के इंसान हैं, उनसे कहो एक मक्खी बना के दिखाएं, जो तुम्हें मक्खी बना के दे दे बेशक उसके आगे भी पड़ जाना और उसके भी पांव में पड़ जाना और उसको भी माबूद बना लेना। और अगर सारी कायनात के इंसान, अंबिया, शुहदा, औलिया, सिद्दीकीन, वाइजीन, नासहीन, साइंसदान एक मक्खी तो क्या मक्खी का पर नहीं बना सकते, तो फिर मुझे छोड़ के क्यों भागते हो? नेकी करो, फौरन नेकी करो ताकि उसका कोई अदला बदला हो जाए। एक आदमी गलत कमाई कर रहा है और नमाज पढ़ रहा है, तो गलत कमाई की उसको सजा है, वो अलग खाता है, नमाज पढ़ने का उसको जरूर सिला मिलने वाला है। इतना सिला तो जरूर मिलेगा कि उसको नमाज ना पढ़ने का जुर्म उस पर नहीं लगेगा, नमाज ना पढ़ने की वजह से जो सजा है वो नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, एक अपनी इबादत ठीक करो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, एक अपने अखलाक ठीक करो। अगर तुम मुसलमानों वाले अखलाक अपना के इस मुल्क में रहो तो इस्लाम की हवाएं चल जाएंगी, लोगों के लिए खैर बनो। एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ सबसे बेहतरीन मैं हूँ, बर्मिंगम में मुझसे अच्छा कोई ना हो। तो आपने क्या कहा? तहज्जुद पढ़, रोजे रख, नफल पढ़, सदके कर, खैरात कर, हज कर, उमरे कर। आपने फरमाया, लोगों की खिदमत कर, तू सबसे बेहतरीन इंसान हो।